नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट शेयर के बारे में जो होटल इंडस्ट्री के शेयर हैं। दोस्तों होटल इंडस्ट्री के शेयर बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कुछ अलग शेयर बताइए, जो बार बार आप शेयर बताते हैं उसी के बारे में बता रहे हैं, बोनस शेयर के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम आपके लिए होटल इंडस्ट्री के दो बेहतरीन शेयर लेकर आए हैं। दोस्तों ये बेहतरीन ग्रुप टाटा ग्रुप का शेयर है, साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री में अब जो आगे है काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिलेगा। जो इंडस्ट्री पहले से एग्जिट करती है उसका कारण क्या है, ये जो पैंडमिक सिचुएशन है आया है इसके बाद बहुत सारे जो नए नए होटल्स हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो जो एग्जिटिंग होटल है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है क्योंकि वो पहले से अच्छे मतलब रिजॉर्ट अच्छे होटल सारे क्रिएट किए हुए हैं और नए लोगों को क्रिएट करना, अब तो बहुत सारे के पास पूंजी भी कम हो चुका है इस पैंडमिक के बाद, तो वैसे में क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और बहुत सारे जो प्रोसेस में थे वो भी काम रुका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो एग्जिटिंग पहले से है उसे काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है और साथ साथ प्रॉपर्टी का रेट अब काफ़ी महंगा हो चुका है, तो वैसे में नए होटल्स चेन स्थापित करना अब काफ़ी कठिन भी हो चुका है। तो आप समझते हैं इतने सारे बेनिफिट्स है जो एग्जिटिंग अच्छे ब्रांड है जो कि मार्केट को लीड करते हैं। तो ये दो कंपनियां जो है ये टाटा के ब्रांड का है और ये होटल चेन्स को रिजॉर्ट को लीड करता है, तो इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा शेयर है वह यह होटल्स कंपनी, ये हमारा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये होटल्स रिजॉर्ट जंगल सफारी प्लेसेस स्पा और इन फाइट कैटरिंग सर्विस ये सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं और ये टाटा ग्रुप का कंपनी है जो कि 1899 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है अभी आप देखेंगे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला जी उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, तो कई सारे बड़े बड़े निवेशक जो इंडियन होटल्स में निवेश कर चुके हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो एग्जिटिंग होटल्स हैं अभी वही आगे जाकर के अब बेहतर करने वाला है। नए चेन्स को अब थोड़ा सा मतलब डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे अभी ओयो होटल्स आप देखे होंगे, ओयो होटल्स के बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुए हैं, वो काफ़ी प्रभावित होगा इस पैंडमिक से, लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्रांड है जिसके खुद के होटल्स हैं तो ये सब काफ़ी कम इफेक्टेड होगा। जैसे सिचुएशन फिर नॉर्मल होता है तो इनके सर्विसेज फिर से नॉर्मल रूप में तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि और सारे नए नए जो होटल्स हैं उसको काफ़ी वक्त लगेगा, वो जो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं ये दिक्कत है। तो इनका जो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस भी है और साथ साथ आपने देख लिया कि ये टाटा ग्रुप का ब्रांड है और यहाँ पर देख रहे हैं इनका जो शेयर प्राइस का पैटर्न है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ये काफ़ी बार इसमें गिरावट आया और रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हुआ है, जब जब गिरावट आया रिकवरी उससे भी ज़्यादा फास्ट, जितना मतलब गिरावट आए जिस रफ्तार से उससे काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी हुआ है। अब यहाँ पर जो गिरावट हुआ है ये 2019 से ही स्टार्ट हो गया था, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं होटल इंडस्ट्री एक बार अप साइकिल एक बार डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल में है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। जब भी आप यहां पर गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट में इन्वेस्ट करें, हाई क्वांटिटी मतलब हाई लेवल बाय करें, यहाँ पर हाई क्वांटिटी बाय करें और यहाँ पर जा करके आप उसे सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको गिरावट में अभी अभी कुछ दिन और वेट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते रहें और वेट करते रहें, जैसे और ज़्यादा इसमें गिरावट आती है, इसका जो हाई 52 वीक लो है 62 रुपीज़ है, तो इसके आसपास जैसे मिलता है तो आप हैवी क्वान्टिटी इसमें ले सकते हैं, फिर जैसे ये आप साइकिल में ऊपर जाता है तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो कंपनी है काफ़ी बेहतरीन होने के साथ साथ टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसके जो आप डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल्स है उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स देख लीजिए, मार्केट कैप जो है 9000 करोड़ का है, बुक वैल्यू 36 का है, ROI देख सकते हैं 7% का है। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, ये skinner.in है और आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं, जिस पे हो आप देख सकते हैं आराम से। डिविडेंड यील्ड डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है कंपनी। सेल्स ग्रोथ देखिएगा 3.54% है, सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.52 है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी खास नहीं है, लेकिन आगे जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आगे इसका ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है ताज GVK होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड, ये भी कंपनी उसी का है मतलब टाटा ग्रुप का है, लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर है ताज जो ताज ब्रांड है टाटा ग्रुप का, साथ साथ GK भी ब्रांड जो है मतलब GK भी कंपनी है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये।
ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, ये भी देख सकते हैं काफ़ी बार इसमें भी गिरावट आया लेकिन रिकवरी उतनी ही फास्ट, फिर से गिरावट आया फिर से रिकवरी उतनी ही फास्ट। तो ये अप साइकिल और डाउन साइकिल चलता रहता, अभी क्या है डाउन साइकिल है। ये भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, ये प्राइस देखिए ये आ चुका था 81 रुपीज़ पर, और यहाँ से रिकवरी देखिए कितनी फास्ट की ये फिर से ये शेयर का प्राइस जो 160 जा चुका था, मतलब 100% का रिटर्न दिया तो जिन्होंने यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट किया था, और फिर यहाँ पर जब गया तो वहाँ पर सेल कर दीजिए। फिर से अगर इसमें कभी करेक्शन आता है, मतलब 100 रुपया के नीचे मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है, ये जो साइकिल है अभी डाउन साइकिल है, तो जैसे जैसे प्राइस डाउन आएगा नीचे आएगा तब आपको इन्वेस्ट करना है, अभी थोड़ा वेट करें। जैसे इसमें करेक्शन आता है, कभी भी नीचे गिरावट पाव मिलता है तो उस समय आपको इन्वेस्ट करना है 100 रुपया के जब नीचे आ जाए, फिर आपको इसके जो अप प्राइस होगा जब हाई लेवल पर जाएगा तो वहाँ पर आपको सेल करना, यहाँ पर हैवी क्वान्टिटी लेना है नीचे जब प्राइस पर आता है। जैसे पूरे टॉप पे चला गया तो वहाँ आप हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो उससे आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, हर बेनिफिट्स मिलता रहेगा, साथ साथ आगे होटल इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड tata.com, तो समझ सकते हैं इसके यहाँ पर भी लगा हुआ वेबसाइट के नाम पर भी टाटा। उसके बाद कुल होटल है 88, इतना कीज है, इतना डिस्टिनेशन है, मतलब 54 डिस्टिनेशन पे 88 होटल है। यहाँ पर देखते हैं ताज होटल्स, ताज प्लेसेस, ताज रिजॉर्ट, ताज सफारी और भी कई सारे ब्रांड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक ताज हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा AMA स्टेज एंड ट्रेल्स, ये भी इन्हीं का है, मतलब जो इंडियन होटल्स है उसी का। कुल यहाँ पर देखते हैं 5 ब्रांड्स है, ये पांचों ब्रांड। इसी ताज पर आप क्लिक करिएगा तो ये सारे ताज प्लेसेस, ताज रिजॉर्ट, ताज सफारी आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर ताज प्लेस होटल कहाँ कहाँ पे है, आगरा, अमृतसर, अंडमानस, यहाँ पर देखते हैं नेशनल पार्क, बेंगलुरु, तो यहाँ पर ताज होटल्स है। साथ साथ इसके कई सारे कंट्रीज में बिजनेस है, मतलब आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे तो कई सारे कंट्रीज जो है जहाँ पर जो है इसके बिजनेसेस है, कई सारे कंट्रीज में, सिर्फ इंडिया नहीं, कुल 9 कंट्रीज से भी ज़्यादा में इसके बिजनेसेस हैं, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है। यहाँ पर देखते हैं 12+ कंट्रीज, हमने तो 9+ बोला था, यहाँ पर देखते हैं 12+ कंट्री है, 100+ लोकेशन पे है, 70+ स्पा है, 200+ होटल्स है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें 400+ रेस्टोरेंट है, 25,000+ रूम्स है, और 34,000+ एम्प्लॉयज काम करते हैं। आप इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बात करें तो आप इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर तो सबसे पहले हम इंडियन होटल्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप है 9,000, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, और डिविडेंड हमेशा दिया है 50% डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड परसेंट है 50%, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ से देखते हैं, वो कंपनी बोनस भी दी है लेकिन काफ़ी समय पहले, तो काफ़ी समय पहले, तो अभी आप बोनस का आगे उम्मीद कर सकते हैं अगर इसके प्राइस में काफ़ी तेजी आता है तब, मतलब ग्रोथ जब मिलेगा तो आपको बोनस शेयर भी मिल सकता है। साथ साथ डिविडेंड देखते हैं हर साल दिया है 2020, 2019, 2018, 2017। उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो कंपनी हमेशा देखते हैं प्रॉफिट में रही है कंपनी, तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी गिरा है, तो ये अप साइकिल और डाउन साइकिल जाता है। जून क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी कम था पिछले साल भी, और इस साल का जून क्वार्टर तो और प्रभावित होने वाला है, तो रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे क्या होता है हमारा कंपनी का रिजल्ट, तो रिजल्ट अगर खराब होता है तो निश्चित है इसमें करेक्शन आएगा। उसके बाद इसके बैलेंस शीट को देख सकते हैं, बैलेंस शीट पे थोड़ा सा डेप्ट भी है लेकिन रिजर्व कंपनी के पास काफी अच्छा है, 4,464 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है, 1,708 करोड़ का। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देखते हैं, कैश और बैंक बैलेंस भी देख सकते हैं, कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस कितना है, कैश और बैंक बैलेंस 148 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स आप देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख करके भी आप बहुत चीज़ लगा सकते हैं अंदाजा। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी का जो प्रमोटर से स्टेक बढ़ाया है मार्च क्वार्टर में ही स्टेक बढ़ाया, देख सकते हैं जैसे गिरावट आया तो वहाँ से कंपनी में स्टेक बढ़ाया गया है जो प्रमोटर्स है, तो इसका सीधा सिग्नल है कि कंपनी आगे काफ़ी अच्छा करने वाली है। उसके बाद इसका जो दूसरा GKP ग्रुप है उसको भी आप देख सकते हैं, तो GKP ग्रुप कंपनी में चलते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएशन पर क्लिक कीजिए, तो ये कंपनी काफ़ी छोटी है, 867 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। कॉर्पोरेट टैक्स पर जाके आप इसके कॉर्पोरेट टैक्स को देख सकते हैं, डिविडेंड कंपनी हर साल डिविडेंड पे किया है, बोनस स्प्लिट कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। फाइनेंशियल पर जाकर देख सकते हैं कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रही लेकिन प्रॉफिट काफ़ी कम,
मात्र 4 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर का, 11 करोड़ दिसंबर क्वार्टर का। इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व कितना है, डेट कितना है। कंपनी का रिजर्व 398 करोड़ का है, डेट कंपनी का, ये काफी बार हमसे गलत हो जाता है, डेप्ट हो जाता है, डेट कंपनी का डेट जो है 141 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर भी डेट है तो आपको याद रखना है। कैश और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस कितना है, तो 7 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी का करेंट एसेट -84 में है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आप निश्चित है कि जज कर पाएंगे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड है मतलब टाटा ग्रुप का ये ब्रांड है, तो इसके पीछे ट्रस्ट है आपका। आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो जिस तरह से यस बैंक में आपका रुपया डूब गया वैसा कोई चांस नहीं है। और साथ साथ जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है। जैसे ये डाउन साइकिल में नीचे बॉटम पर मिलता है आपको, बॉटम आउट करता है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करनी है, और जैसे टॉप बनाता है ये वहां पर आपको सेल करनी है। इसमें जब तेजी आता है तो एक बार में आपको 10-10% तेजी देखने मिलेगा, तो काफी बेहतरीन कंपनी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।